मतलब ही नहीं है। दूसरी है हमारी समायरा, और ये कूल और स्मार्ट है। ये हाय सरयू, चल बाहर चलते हैं। आज तो वैसे भी कॉलेज का पहला दिन है ना, तुम मैं पढ़ क्या रही हो, मुझे सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता। सरयू नहीं सरस्वती, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी तो मुझे अष्टांग के 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ओहो जो मुझे प्रोटीन और मेरे जिम की फीस भरते। जे पार्टनर से शक्ल का इंसान झींगुर सी पर्सनालिटी जाके लाख लकड़ बग्घा जैसा जो दिखे है, उल्लू आंखें जैसी, अरे इसे देख के कोई 1 रुपए का हाजमोना भी अपना करे। और जब प्रोटीन पाउडर की बात करें, अब पारी हमारी तीन हो जाएगी। ये हाँ है तो बड़े दबंग, लेकिन एक ऐसी जगह है हमारी टीटू भैया की जहाँ ये पिघल जाते हैं। तो जरा देखते हैं कि टीटू भैया पिघलते कहाँ पे Oh,
down, please? Good morning. Good morning, Rajodhar. Sit down. मैम ये स्पेशली रोज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। oh, oh! आप ना मेरी फेवरेट टीचर हो। Sit down. मैम जे मैं आपके लिए पालक लेके आया हूँ। पालक पालक का क्या करूंगी मैं? अरे मैं पालक खाने से डल्ले शल्ले बने हैं हमारे। अरे जी गुलाब का सूख जाएंगे, देखो हमारे डल्ले शल्ले, देखो देखो तो कुछ भी नहीं सुना इस बारे में। मैम जो क्या तुम शायरी से पढ़ाने लगे आते ही? हाँ? Just shut up. आप लोगों को पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। कुछ भी सुना देना, कुछ भी जो स्टेज पे मना है। ठीक है मैम। ओके। मेरी रूह लेकिन सुकून का जगीरा मिल न पाए। मैं की करा, मैं की करा। ना छड़ तैयार बोलिया, सुन ले पुकार बोलिया। पूरी तैयार बोलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। हे भगवान कैसे बच्चे हैं ये, कैसे कटेंगे इनके साथ 5 साल। हे भगवान छोड़ो, कल का होमवर्क दिया था मैंने, आज का उनका फर्स्ट श्लोक सुनाओ। सिर खड़े हो जाओ जरा। वो मैम कल मैं ऑडिशंस के लिए गया था ना, तो मैं याद नहीं कर पाया। क्यों गर्ल्स? बैठ जाओ सीट पे। तुम यहाँ डॉक्टर बनने आए हो या फिर मॉडल बनने आए हो? आया बड़ा। अच्छा टिलो बेटा, तुम खड़े हो जाओ, सुनाओ जरा श्लोक। याद किया तुमने? जे मैम बिल्कुल याद करा श्लोक मैंने, क्यों ना याद करूंगा मैं। सुनाओ जी मैम। अस्तफार अस्तु मूले तुझे देखा तो ये जाना सलाम। वाला सलाम। हे भगवान किसे उम्मीद कर ली मैंने। चलो बैठा अपनी सीट पे, ये श्लोक है। पीटू खड़े हो जाओ, सुनाओ श्लोक। चांदनी मैम आपको देखते ही तो प्रेम पत्र याद आ जावे। हे भगवान। गजोदर बेटा तुम श्लोक सुनाना बेटा। आयु काम माने धर्मा सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश विधेय परमदा। गजोदर बेटा कुछ सीखो गजोदर से तुम सब। बस यार अपना खड़े हो जाओ तुम सब, बाहर निकलो क्लास से, निकलो बाहर क्या। रुको 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 रुको, क्लास से बाहर निकलना तो इनके लिए मौज हो जाएगी ना, बाहर जाके मस्ती करेंगे। खड़े हो जाओ सीट पे, बेंच पे खड़े हो जाओ और सीखो कुछ गजोदर से, वो कितने अच्छे से पढ़ाई करता है। जो देख रहे हो भाइयों, आज इस गजोदर को हॉस्टल में बतावेंगे। आज तो इसका इलाज बनाना ही पड़ेगा, बड़ा सी यार बन रहा। सही कह रहे हो टिल्लू ब्रो, ज्यादा ही और स्मार्ट बन रहा है। सबके सब कल श्लोक याद करके आएंगे, नेक्स्ट वाला ये तुम्हारा होमवर्क है, और जो नहीं सुनाएगा वो क्लास से बाहर जाएगा। आज के लिए इतना ही। चलो देखो इंट्रो भी हो गया है, क्लास टीचिंग सीन भी हो गया है, अब थोड़ा अपने हॉस्टल डेज की तरफ चलते हैं। हॉस्टल है तो बड़ी अच्छी जगह, सीनियर्स के साथ मजा भी आता है, बॉन्ड भी बनता है, लेकिन मुझे ये देखना है कि यहाँ पे होता है क्या। देख रहे हो भाइयों कैसे श्लोक याद कर रहा है? देख रहे हैं। चांदनी मैम ने दे रखा है, चल इसे बताते हैं। आज निकालेंगे इसका चांदना सा।
अरे वो आराम पीटो। कौन है किसकी बूंदी ऐसा करने की? मुझे बताइए टुल्लू का ही काम है उसके दोस्तों का। एक बार ना सीआर बन जाऊं फिर सबको बताता हूँ। फिलहाल मैं श्लोक याद कर लेता हूँ, चाहती हूँ मैम को जो सुनाना है। माइक का वो निकल अब थोड़ा अपने संस्कारों की तरफ चलते हुए अपने संस्कारी अध्यापक जी को बुलाते हैं, हमारे संस्कृत के अध्यापक जी को। ओ गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठ जाओ सभी। थैंक यू सर। तो बच्चों मेरा नाम पट्टी पढ़ते पटंती है। बच्चों तो मैं आज सभी को आज संस्कृत पढ़ाऊंगा, जो कि आज आप लोगों को मैं सर्वप्रथम पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके ओके सर। तो मेरे साथ दोहराएंगे आई उड़ जी टिल्लू बेटा, पूछो क्या पूछना है। सर जे का पढ़ा रहा है, गाने के लिरिक्स है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है सर रैप सुना रहे हैं। अरे सर तो राजनीति भी सिखा रहे हैं। अरे तुम शांत हो जाओ, पहले तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है क्लास से? गुरुजी मायसा सूत पढ़ा रहे हैं, तुम सब तो पागल हो, स्मार्ट बस नहीं हो। मेरे को बड़ा बता भाई सर, बड़ा मालूम मालूम देखो सीनियर के साथ बॉन्ड बनता है, मस्ती भी आती है, थोड़ा डांटते भी है, पर जो बॉन्ड सीनियर के साथ बनता है ना वो किसी के साथ बन ही नहीं सकता। मुझे जरा ये देखना है कि मेरे इन कॉलेज के बच्चों का बॉन्ड अपने सीनियर के साथ कैसा बनता है, तो इनका बॉन्ड भी देख ही लेते हैं जरा। तो रूल्स तो आप सबको पता ही होंगे। यस बॉस। आज हम आप लोगों से कुछ फन एक्टिविटीज कराएंगे। ओके बॉस। तुम और तुम खड़े हो, क्यों ना इनका डांस देखा जाए, क्यों ना इनसे कपड़ डांस कराया जाए। यस बॉस। चलो कपड़ डांस करो। तुम लोग रैंप वॉक करके दिखाओ। ओके बॉस। हम बॉस। हाँ सीनियर ने जो कह दिया वो कह दिया। दुपट्टे के साथ रैंप वॉक करो। ओके बॉस। चलो अब थोड़ा चलते हैं अपने वायवे की तरफ। वायवा जिसका नाम सुन के ना एक बेहोशी सी छा जाती है, मुझे तो छा जाती है। अब मुझे ना देखना है कि इन लोगों को बेहोशी छाती है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस से अपने वायवे का सामना करते हैं। डेंजरस गाना लग गया सर।
मैम पानी पीजिए, मैम लीजिए पानी पीजिए। मैम बंसी खाइए, आपके लिए खास मथुरा से मंगवाई है। ओहो बस बस बहुत हो गया सेवा पानी, अब बच्चे को बुलाइए, देखते हैं कितने सुरवीर बच्चे हैं यहाँ के, और जरा एक कप चाय मंगवा दीजिएगा। जी मैम जी, फिर बेटा आ जाओ। मैम मैं गेट इन, थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? मैम शिव। एक क्या तरीका है नाम बताने का? मैम वो मेरी थोड़ी आदत है। आदत उधर छोड़ो, बैठो। थैंक यू। खड़े हो जा। एनाटॉमिकल पोजीशन बता। एनाटॉमिकल पोजीशन ये तो बहुत अच्छी आती है। एक क्या है, डॉक्टर बन गया हो या मॉडल? अरे मैम आपको कैसे पता, आप भी मेरे इंस्टा पे फॉलोवर हो क्या? मुझे पता था मैम मेरी फैन है। चुप हो बस, भागो यहां से। वैसे मैम अगर आप मुझे फॉलो करती हो ना तो अनफॉलो मत करना। मैं भाभी। अरे मैम बैठिए, बैठिए 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 ना, क्या पढ़ा दिया बच्चे को। मैम पानी लीजिए। बसी खाइए मैम, अकेले का मथुरा आई है। नेक्स्ट स्टूडेंट। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सीटू भैया। अच्छा ये उठाओ हाय और बताओ कहाँ होता है? हार्ट तो हमारे पास है ही नहीं मैम। बस बस समझ गए, अब हार्ट के बारे में जो भी जानते हो उसे बताओ। हमको तो फाइल याद आ रही है तुमको देख के। हट बुड़बक, भागो यहाँ से। कैसे नलायक बच्चे हैं। मैम मैम शांत रहिए, बैठिए बैठिए, आप बर्फी खाइए ना, आपके लिए खास मथुरा से मंगाई है। हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो फाइल ही सुनाया जा रहा है। आ जाओ, नाम क्या है तुम्हारा? नाम है हाँ बस बस, अब ये बताओ स्किन के कितने लेयर होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्किन के लेयर्स होते हैं फाउंडेशन, हाइलाइटर, मॉइस्चराइजर। क्या क्या पढ़ाए आप लोग? पानी पीजिए मैम, पानी पीजिए। तो जाइए मैम, बर्फी खाइए ना, आपके लिए खास मथुरा से मंगवाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट। टिशू आ गया। नाम क्या है तुम्हारा? टिल्लू। ये उठाओ ब्रेन और बताओ इसकी लोकेशन कहाँ होती है? घुटना पे। घुटना यहाँ होती है। टिल्लू क्या कर रहा है तुम? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारा दिमाग घुटनों में ही है। भागो यहाँ से, भागो भागो, नहीं यहाँ से। सच में तुम्हारा दिमाग घुटने में ही है। अब बताओ पंच महाभूत क्या होता है? अरे ये का पूछ लिया मैम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पंच महाभूत तीन शब्दों से मिलके बना है, पंच प्लस महा प्लस भूत, इसका अर्थ हुए पांच बड़े बड़े भूत, जैसे छोटा भूत, मोटा भूत, शांत हो जाओ और क्लास से बाहर निकलो, बाहर निकलो क्लास से। मैम मैम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक खाइए बर्फी, खास आप मथुरा से मंगवाई है, और पानी पीजिए। कोई ढंग का बच्चा है यहाँ पे जिसे बोला जाए सुरबीर है? नाम क्या है तुम्हारा? सरस्वती। अब बता मर्म क्या होता है?